अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? आपके पति के जो मैनेजर है ना, उन्होंने दिया था हमें पैसे। मुझे पता था ये उसी की करतूत है। बाबा की जय, आपके हाथ से तो खून निकल रहा है। ठीक होना पल्लवी, आपके होते हुए हमें कुछ हो सकता है क्या? मुझे भी जी, मैं भी एकदम ठीक हूँ। अगर आप दोनों ऐसे देखते रहोगे तो आपका एग्जीबिशन का टाइम निकल जाएगा। मामा हमको घर छोड़ के
चले जाते, उन्होंने हमको घर क्यों नहीं छोड़ा? उनको लेट हो रहा था ना, और घर तो पास में ही, हम साइकिल से जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ आप ठीक तो है? शिवा सर। शिवा मामा? शिवा सर। ये देखिए, ये हमारा पोता है बिट्टू, स्कूल ड्रेस में सुबह से गायब है। और जब बहू गायब है उसकी फोटो वो बस हम अभी दिखाए रहे हैं। ये देखिए, ये है हमारी बहुरिया पल्लवी, ये भी सुबह से गायब है, इसने स्कूल ड्रेस ना ही पहना है। बहुरिया, तुमने मोबाइल फोन में शिवा की फोटो है ना? एक ये लीजिए देना। हमने शिवा की फोटो है ना दी, हमारा सुबह से ये भी गायब है। अजीब बात है, एक घर से एक साथ तीन लोग गायब। अरे वो सब छोड़िए, जाके ढूंढिए तीनों को। हम यहाँ है। क्या ना बेटा? शिवा, 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 भौरिया, शिवा के आसपास तुमने कोई नोट भरा बैग देखा था? अरे देखा कि नहीं? नहीं 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 पापा जी, वहां कुछ भी नहीं था। शिवा सर की हालत इतनी खराब थी, उनको देखकर और किसी चीज पर ध्यान नहीं गया हमारा। यहाँ से सरपट करके निकल लेते हैं हम, और ई का जब भूसा आएगा चलते चलते घर आ जाएगा। चलो। अरे सर के जाए तुमने बेध्यानी के, किसी चीज में कौन ध्यान नहीं है तुम्हारा, और बेध्यानी में पता नहीं कहाँ कुछ करती रहती है ये लड़की। कभो ई शहर में रिक्शा चलाती हो, और बाजार में वो साइकिल उड़ाती हो,
हमारी इज्जत की पकौड़े जो है उतलने में फुर्सत मिले तुमका, तभी तो किसी चीज पे ध्यान दोगी ना तुम। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, वो अर्नब जी का सामान कुछ लोग धोखे से लेकर चले गए थे, तो हम इसीलिए। का कहना चाहती तो तुम का करना चाहती थी? हीरोइनी बन के उनके सामने जाओगी और ये डिशु 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 डिश डिश ऐसे करके सारा सामान ले आई तुम? ले क्या आओगी नहीं नानी, ले आई है। छोटी मामी ने उन गुंडों को खूब धोया और छोटे मामा का सारा सामान ले लिया। तो एक तो तुम चुप करो, क्या जरूरत है तुम्हें ऐसे डब्बों में जाके घुसने की? हाँ, इतना बड़ा घर तक कहीं और जगह नहीं मिलती तुम्हें छुपने की, और कितनी मुश्किल से तुम्हारी दादी को शांत करके भेजे हम। बड़े यहाँ छिपा छिपी खेलेंगे। साइकिल पे अकेले हो, इतना सारा सामान तुम ले आई, मतलब इतना सारा सामान साइकिल पे तुम ले आई? कहाँ साइकिल साइकिल सामान सामान कर रही हो? यहाँ हमारे नोटों का आता पता नहीं है और तुम हमने साइकिल की पड़ी है। ऊपर से शिवा को भी होश नहीं आया। कुछ नहीं होगा शिवा को, क्या हुआ? पेशेंट का बहुत खून बह गया है। दाइमा, ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मेरा शिवा बस तो जाएगा ना? देखिए, खून बहुत ज्यादा बह चुका है, तुरंत खून चढ़ाना पड़ेगा। उनका ब्लड ग्रुप एबी पॉजिटिव है, क्या आप लोगों में से किसी का भी ब्लड ग्रुप एबी पॉजिटिव है? नहीं नहीं, इस घर में किसी का भी ब्लड ग्रुप एबी पॉजिटिव नहीं है। हाँ कैसे होगा, ये तो घर का खून है नहीं तो पराया है। शिवा इस घर का खून है। यह नहीं है, इस समय ये बात का कोनो मतलब नहीं है। शिवा की जान बचानी होगी, उसे खून देना होगा पुरुषोत्तम। ओ पॉजिटिव, हमारे ब्लड का नंबर ओ पॉजिटिव है। जब हम छठी क्लास में थे ना, तब हमें टीचर ने बताया था कि हमारा खून किसी को भी चढ़ाया जा सकता है। अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है तो हाँ, आप यूनिवर्सल डोनर हैं। आपका खून पेशेंट को चढ़ाया जा सकता है, आप आइए मेरे साथ। जी ए? तुम कैसे खून चढ़ाओगी? छठा घर का खून है तुम्हारे अंदर, वो भी दान करने जा रही हो, तुम्हें बचेगा का? कमजोर हो जाओगी, घर का काम कौन करेगा फिर? घर जो है सर अस्त व्यस्त हो जाएगा। तुम क्या कह रही है, शिवा सर की जान खतरे में? हाँ तो ये जौनपुर में वो है ना, वो क्या कहते हैं, बुलेट बंक। ऐसे से पुरुषोत्तम शास्त्री जी, वो बुलेट बंक में फोन कीजिए और शिवा के लिए खून मंगाइए, और तुम जाओ रसोई में जाके वो खाने की तैयारी करो। जाओ, हम कुछ कह रहे हैं तुमसे, जाओ। आप भी जाइए। कहाँ? अरे जाके कमरे से हमारा फोन लेकर आइए। अभी लाए। हमरा खून ले लीजिए। हमरा खून हर एक के काम आ सकता है, बड़ी आई खून देने वाली। जौन काम के लिए ई घर माँ उका लेकर आए हैं, वो काम छोड़ के हर एक काम करने लगी। बबली, जब पल्लवी शिवा को खून देने को तैयार थी
तो क्या परेशानी थी तुम्हें? क्यों रोका तुमने उसे? दाइमा हमरी बहुरिया, हमरी मर्जी। शिवा की जान खतरे में है। तुम क्या चाहती हो कि वो हम सबको छोड़कर चला जाए? यही मर्जी है तुम्हारी? ऐसे तो हमने नहीं कहा। बबली देवी, तुम बहुत कुछ ना कहकर भी कह जाती हो। यही तो खासियत है तुम्हारी। और अब तुम्हारी मर्जी नहीं चलने देंगे। पल्लवी से कह के शिवा को खून दिलवाओ, वरना इतने सालों से जो इस जुबान पे ताला लगा है ना, वो खुल जाएगा। ठीक है दाइमा, बार बार हमका ऊ बात को लेकर ऐसे धमकाइए नहीं, वरना बर्ना का बर्ना दाइमा हम आपको बताए ना क्या करेगी बबली। अरे आप दोनों झगड़ा बंद कीजिए, वहाँ पल्लवी मामी ने शिवा मामा को खून देना शुरू कर दिया है। सही कह रहा है तू, तुझे मेरी भी उम्र लग जाए। हमने मना करने के बावजूद पल्लवी शिवा को खून दे रही है। सच में ही लड़की जानबूझ के ना हमरे हमारी आंखों की किरकिरी बन रही है इसकी तो। हाँ रुपये वाला बैग कहाँ है? शिवा बैग कहाँ है? शिवा वो नोटों से भरा बैग था ना तुम्हारे पास, पैसे दिए थे ना जमा करने के लिए बैंक में, कहाँ है वो? शिव कुछ बोलोगे? आप ये क्या कर रहे हैं? अरे बोलेगा कैसे, इनकी कंडीशन खराब है, इनको आराम की जरूरत है। आपको इनसे जो भी बात करनी है प्लीज बाद में कीजिएगा। आप देखिए उसे सुनाई दे रहा है ना, ठीक से जांच करिए आप। वो हो जाएगा, प्लीज इस वक्त आप यहाँ से चले जाइए प्लीज, पेशेंट को आराम की जरूरत है। घबराइए मत शिवा सर, आपको कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ शिवा बेटा, आज पल्लवी की वजह से तुम्हारी जान बची। इतना बड़ा पाप क्यों करने जा रही मम्मी जी? शिवा सर भी तो इस घर के बेटा है ना। ये तुमसे किसने कहा? जो सच होता है वो कहना नहीं पड़ता, खाई देता है। शिवा सर आपको अम्मा जी और पापा जी को बाबू जी कहकर बुलाते हैं, राम की तरह पापा जी का हर हुक्म मानते हैं, लक्ष्मण की तरह अर्णव जी का साथ देते हैं। इससे घर के रिश्ते अपने आप छूट जाते हैं मम्मी जी। और रही बात घर के कामों की, तो आप उसकी फिक्र मत कीजिए, हमारा फर्ज है और हम अच्छी तरह निभाएंगे मम्मी जी। तुम्हारी बहू तुमसे ज्यादा समझदार है बबली, तुम सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनी हो और वो अनजान होते हुए भी रिश्ते निभा रही। अरे कुछ तो सीखो उससे।
ये ढोल कौन बजा रहा है? खुशी की बात तो है ही मम्मी, आज आपके बेटे ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद खुद उसके बाप ने उससे नहीं की थी। मेरी कंपनी को, मेरी मैनेजमेंट को मेरा काम इतना पसंद आया कि उन्होंने मेरी जॉब पक्की कर दी है। कांग्रेचुलेशंस मामा। औरतों का सामान तो तुम बेच ही रहे हो, अपना आत्मसम्मान बेचकर भी खा जाओगे तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा विजिटिंग कार्ड पापा, मेरी पहचान आपके नाम के बिना।